अतुलित बलधामम हेम शेलावदेयम दनुजवन कृषाणुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर अनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज शनिवार की शाम मैं आपको सुना रही हूँ सुंदर कांड की चौपाई। बंधुओं जैसे मंगलवार को हनुमान जी के सुंदर कांड को सुना जाता है, वैसे ही शनिवार को भी जो मनुष्य भी सुंदर कांड की चौपाइयों को सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी संकट दूर करते हैं, उन्हें सभी कष्टों से उबारते हैं। सो बंधुओं आज शनिवार की शाम सुंदर कांड की चौपाइयों को अवश्य सुने और अपने दुख तकलीफों से छुटकारा पाएं। बंधुओं यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। लंका निश्चर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा, मन मम तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन निवास कहां। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कवि सज्जन चीन्हा। एही सन हठी करे हो पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए। कर प्रणाम पूछी कुसलाए, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी, हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हूँ मोहि करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमित सहै मोहु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहे कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव। हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी यहाँ क्या मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री राम चंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा,
तो तुम मोहि दरस हठि दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहे सदा से वक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपिचन चल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले अहारा। भला कहिए, मैं ही कौन कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से निज हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस्मे अधम सखा सुनो, मोहो पर रघुबीर कीन कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हिते काहे न हो ही दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख जहूं जान की माता। फिर विभीषण जी ने ही जान की जी जिस प्रकार वहां रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जान की माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुन तहमा, बन अशोक सीता रह जहमा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धर कर वहाँ गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि मऊ कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसि जामा। कृष्णनु शीश जटा एक बेनी, जब तेरे दे रघुपति गुण श्रेणी। सीता को देखकर हनुमान ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। श्री जान की जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल लव महु रहा लुकाई, करे विचार करूं का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज रावण वहां आया। बहु विधि खलसी तही समझावा, साम दान भे भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो मन मोरा, एक बार बिलोक मर्म औरा। त्रिनधरी ओट कहत बे देही, सुमेरे अवध पति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा,
यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करे विकासा, असमन समझ कहत जानकी, खल सुदी नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुबीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सोने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी तू मुझे सुने में हर लाया है, रे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुनिख द्योत समा, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काढ़ा, असी बोला अतिख सयान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।